नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र। आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ओनली टेक। दोस्तों बहुत सारे जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं उनको एक प्रॉब्लम आती है कि सर होम पेज पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही हम माई चैनल पे जाते हैं होम पेज पे लिखाता है दिस चैनल डजंट हैव एनी वीडियो, और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। आप अपने चैनल का जो होम पेज है उसकी सेटिंग नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से ये होता है, और ये सेटिंग आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊंगा कि आप अपने होम पेज की जो सेटिंग है उसको फुल्ली कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको क्या क्या अपने चैनल पे लगाना होगा ताकि जब भी कोई नया व्यूअर कोई नया सब्सक्राइबर करने के लिए आपके चैनल पे कोई भी बंदा नया आए तो उसको एक लगे कि हाँ यार एक प्रोफेशनल लुक है आपके चैनल का और सब कुछ चीजें कस्टमाइज तरीके से नजर आए। तो अगर आपने नया चैनल बनाया है आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही तो आज के ट्यूटोरियल को देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, बाद में आप भूल जाते हैं कि भैया लाइक भी करना है, क्योंकि वीडियो ऐसी होती है कि भावनाओं में खो जाते हैं। भैया हमारी वीडियो में बहुत ज्यादा बारीकी से समझाया जाता है। इसके बाद आप इंस्टाग्राम पे जाइए, टेक्निकल योगी को सर्च कीजिए, वहां पे फॉलो कीजिए, वहां मैं अच्छी अच्छी पिक्स पोस्ट करता हूँ। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं लैपटॉप में हमारा माई चैनल ओपन है, तो आप चाहे तो इसे लैपटॉप में भी कर सकते हैं सेटिंग को, चाहे तो मोबाइल में भी कर सकते हैं। आपको गूगल क्रोम में जाना है, डेस्कटॉप मोड वहां पर चूज करना है, उसके बाद आप अपने चैनल को क्रिएट जो आपने किया है उसके माई चैनल में जाएंगे तो आपको इस तरह का जो है ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब आजकल क्या है कि ये भैया ऑप्शन आ गया है कि भैया यूट्यूब बीटा का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन आएगा। अगर आपको यूट्यूब बीटा नहीं दिखा रहा है तो डायरेक्ट आ जाएगा, अदरवाइज कस्टमाइज जो चैनल है हमको सिर्फ इसी पर क्लिक करना है। मैंने और देखिए आप मेरे चैनल पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी दिखा नहीं रहा है ये, ठीक है ना, चैनल पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ये होम पे मैं हूँ, इस टाइम होम पे ही हूँ। वीडियोज में अगर मैं क्लिक करता हूँ तब ही वीडियो नजर आ रही है, तो नए चैनल पे ऐसा ही कुछ होता है, और अगर मैं होम पे आता हूँ जैसे तो यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आता है। तो मैं कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है, जैसे मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा पेज हो जाएगा रीलोड और इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। अब आप समझिए मेरी एक एक चीज को, देखिए ये है यहाँ पर चूज ए वीडियो और प्लेलिस्ट टू फीचर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आप चाहें तो भैया अपना कोई भी प्लेलिस्ट को फीचर कर सकते हैं, चाहे तो आप कोई अपना वीडियो ऐसा लगा सकते हैं। यहाँ पे साफ लिखा है रिटर्निंग सब्सक्राइबर, अगर कोई आपका सब्सक्राइबर ने वीडियो देखा है, आपका चैनल सब्सक्राइब किया, वापस से आपके चैनल पे आता है, तो आप यहाँ पे दिखाने के लिए उसको चाहे जो लगा सकते हैं। आप चाहे कि यार मेरा कोई भी सब्सक्राइबर वापस है तो मेरी इस वीडियो को जरूर देखे, तो आप क्या करेंगे फर्दर कॉन्टेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और आपको जो भी लगे, आप चाहे तो अपनी नई वीडियो भी लगा सकते हैं, जैसे मान लो ये मेरी नई वीडियो है इसको भी लगा सकते हैं चाहे जो। अब जैसे मान लो ये जो वीडियो है कि अर्निंग क्यों कट हो रही है, जैसे मान लो ये अपडेट है, मान लो सपोज तो ये मैंने ए अपडेट लगा दी, कोई भी जो मन करे। चलिए मैं ये वाली वीडियो जो है लगा देता हूँ, इसमें ये वाली जो वीडियो है ये बहुत अच्छी है, बेस्ट टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कैसे डाले, ठीक है, के बाद भी व्यू नहीं आते, तीन बड़े सबसे अपडेट लगा देता हूँ, ठीक है। ये वीडियो लगाई और मेरे को यहाँ पे देखिए नीचे आप आएंगे, नीचे मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे सेव का बटन है। एक एक ट्यूटोरियल में हर चीज को बारीकी से समझिए कि किस स्टेप को सेव कर देना है हमको। सेव करने के बाद यहाँ पे दोबारा हमें सेव करनी है, ठीक है, और यहाँ पर ये वीडियो नजर आएगी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ऊपर ध्यान से समझिए, ये रिटर्निंग सब्सक्राइबर के लिए है, अगर कोई नया सब्सक्राइबर आएगा तो भाई उसको क्या दिखेगा, तो यहाँ पे साइड में बिल्कुल लिखा हुआ है फॉर न्यू विजिटर। अगर कोई बिल्कुल नया आदमी आपके चैनल पे आएगा तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, बस उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो आप देखा चैनल का ट्रेलर, तो चाहे तो आप एक मिनट का कोई वीडियो अपने लगा सकते हैं उसको अपलोड करें, या फिर अपना कोई पॉपुलर वीडियो यहाँ पे लगाएं, जो आप चाहें कि जो भी व्यक्ति आपके चैनल पर आए वो आपकी ये वीडियो देखे उसको पसंद आ जाए आपका चैनल, तो वही पापा चैनल ट्रेलर पर अपन क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर भी एक वीडियो इस तरह आ जाएगी, हम इसमें देखेंगे कि कौन सा हमें वीडियो लगाना है, कोई भी वीडियो लगाएं, आपको जो वीडियो पसंद हो वो वीडियो आप लगा दें। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें, जैसे मान लो मुझे जबरदस्त मोटिवेशनल था ये वाली वीडियो लगानी है, तो मैं नीचे आऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर आके वापस ये देखिए नीचे सेव का बटन है, सेव के बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा, क्लिक मैंने कर दिया है और ये वीडियो आपको नजर आएगी। अब नए विजिटर जब भी आएंगे तो आपको ये वीडियो नजर आएगी उनको, और रिटर्निंग सब्सक्राइबर आएगा तो ये आएंगी। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, अपलोड चल रहा है, एड सेक्शन आप देखिए, एड सेक्शन पे करना है आपको क्लिक, ठीक है, एड सेक्शन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट कंटेंट, तो यहां पर मैं सोच रहा हूं कि यार इस पे हमें करना है जो रिसेंटली वीडियो में डालता हूं, जो नई नई वीडियो डालू वो सब आ जाए, ठीक है, इस तरह का कुछ ऐसा करना है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर आएगा रिसेंट एक्टिविटीज, इस पर क्लिक कर दूंगा, या रिसेंट पोस्ट, तो रिसेंट पोस्ट पे कर सकता हूँ, पोस्टेड वीडियोस, अपकमिंग लाइव स्ट्रीम, कुछ भी जो आपका मन करे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि भैया रिसेंट पोस्ट कर देता हूँ,
हॉरिजेंटल या वर्टिकल? वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे, हॉरिजेंटल होता है ऐसे यूं। वैसे यार ये सबको ही पता है, फिर भी बता रहा हूं। तो अपने को हॉरिजेंटल चाहिए इस तरह से, तो मैं इसको डन कर देता हूं। तो डन किया मैंने, अब आप देखिए कि यहां पर रिसेंट पोस्ट भी जो है मेरी आ जाएगी, ठीक है ना। अब रिसेंट पोस्ट पर मैं, इसके बाद दोबारा से हम एड सेक्शन करेंगे। इसके बाद हम करेंगे कि हमारी जो पॉपुलर वीडियो है जिन पे सबसे ज्यादा व्यू आए हम वो लगाएं। तो हम यहाँ पे देखेंगे भैया पॉपुलर वीडियो का ऑप्शन, तो रिसेंट सब्सक्राइबर, कस्टम ग्रुपिंग, पोस्टेड, मल्टीपल प्लेलिस्ट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम पॉपुलर अपलोड लगा देते हैं। इसको हम करेंगे वर्टिकल, ठीक है, कि भाई ऊपर से नीचे लगे और हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ये लग गई मेरी। तो अब देखिए ये आ गया मेरा पूरा का पूरा अपलोड आ गया और ये हमारी आ गई है। हम और चाहे तो और भी कुछ यहाँ पे सेट कर सकते हैं ऐड सेक्शन में जाके, ताकि अब ये चैनल कोई खोलेगा तो सबसे पहले हमारी ये वीडियो दिखेगी रिटर्निंग सब्सक्राइबर को, फिर हमारे अपलोड दिखेंगे नए नए, फिर हमारे पॉपुलर वीडियोस भी दिखेगी, ठीक है। रिसेंट पोस्ट भी दिख जाएगी। रिसेंट पोस्ट नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं, आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप कर दीजिए पोस्टेड वीडियोज लगा दीजिए, ये लो भैया हॉरिजेंटल में, और तो वो इस तरह से लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे जो आपकी मर्जी हो वो लगा सकते हैं। इसके बाद हम फॉर न्यू विजिटर में जाएंगे और यहां पर भी ये एज इट इज दिखाई देगी। तो इस तरह से आप अपने चैनल को जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप अपने चैनल का होम पेज कस्टमाइज कर लीजिए। इसके अलावा आपको अगर पूरा का पूरा चैनल कस्टमाइज करना है तो ऊपर आई बटन में जाइए, मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत प्यार मिला है आपको उस वीडियो पे, उस वीडियो को देख लीजिए, आप पूरा का पूरा चैनल ही कस्टमाइज करना सीख जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक शेयर तो करना ही है। चैनल पर पहली बार आया तो मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूं, देखना पसंद है सब्सक्राइब कर लीजिए, और भैया नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो मैं बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन आए, कोई भी नई अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं योगी योगेंद्र आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।